गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो मेरा थर्ड चैनल था जिस पे मैंने आपको कहा था कि ना जो टॉक्सिक मींस सैड इस तरह के स्टार्टिंग के होंगे तो मैं ना वो अपने थर्ड चैनल पे अपलोड करूंगी, बट अब मैं वहां से ना सारे एफएफ्स अपने फर्स्ट चैनल पे डाल रही हूं और उस चैनल को ना मैं मींस सारे एफएफ्स वहां से हटा रही हूं। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया मेरे लिए सब चैनल्स को ना एक साथ रन करना, तो इसलिए मैं सिर्फ अब दो ही रखूँगी, एक वांगशन और जो ये मेरा फर्स्ट चैनल है और सेकंड चैनल वांगशन एंड BTS 2 जो है, बस ये दोनों होंगे। बाकी जो दोनों एफएफ चैनल्स हैं मैं उन दोनों को डिलीट कर रही हूँ, तो होप आप बाइंड ना करेंगे। और जिसने स्टोरी नहीं देखी वो देख सकता है और जिसने देख लिया जो मैं डाल रही हूँ तो मर्सी। तो चलिए बस अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, और गाइस मैं आपको बता दूँ मैंने इतने टाइम से इसकी अपलोड नहीं की थी, तो गाइस अगर थोड़ी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बता देना, माइंड ना करना, ठीक है। सो जैसे कि हमने देखा था कि जो जिम था उसने ना अपने आप को ना वॉशरूम में लॉक कर लिया था और वहाँ पे ना तेहंग और ह्यूंगी आ गए थे। तो जो ह्यूंगी जब जिमी ने ह्यूंगी ये बात सुनता है तेहंग की कि तेहंग ने बोला कि तुम वॉशरूम में हो, ब्रदर इन लॉ वॉशरूम में हो, तो फिर ना जो यूंग है तो वो ना वॉशरूम की तरफ जाता है और फिर ना डोर पे ना नॉक करता है, तो फिर जो जंकू जिमिन होता है वो कोई ना वॉइस नहीं करता, बस सारी बातें सुन रहा था। लेकिन ना अभी वो अपने राइट माइंड में नहीं था बिकॉज अभी वो काफ़ी ज़्यादा क्राई करने में बिजी था। तो फिर ना जो तेहंग था वो भी आ जाते हैं और कहते कि ना ब्रदर इन लॉ प्लीज़ डोर ओपन करो। तो ना काफ़ी देर के ना इंसिस्ट करने के बाद दोनों के तो ना जो जिमिन होता है वो थोड़ा काम होता है और फिर ना जाके ना डोर ओपन कर देते, और जैसे ही डोर ओपन करते तो उसकी आईज बहुत ज़्यादा स्वेलन और रेड हुई हुई थी, उसकी नोज चिक्स और उसके तो ऐसे उसकी ना ये हालत देखे ना दोनों को काफ़ी बुरा लगता है। और जब देख होता है कहते हैं ब्रदर इन लॉ आपको क्या ह्यूंग ने इसका तो बीट किया, तो फिर ना जो जिमिन होता है वो बस ना सर नहीं मिलाता, कहते नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। तो फिर ना वो कहते उस बोलता और फिर ना जो ज्योंगी होता है वो ना बस वहाँ से जाता है और फिर ना थोड़ी देर बाद ना आता है एक ऑइंटमेंट लेके, और जब वो आता है रूम में देखता है कि ना जो तेंग है वो ना जिमिन के साथ बैठा हुआ है बेड पे बैठा हुआ है, और फिर ना वो ऑइंटमेंट लेके आया था कि जो भी मीन्स जो ने उसको मारी थी बेल्ट मारी थी तो उस पर लगाने के लिए। तो फिर ना जो तेहंग होता है वो देखता है और फिर कहते हैं कि नहीं ये क्या लाया है, तो फिर ना जो ह्यूंगी होता है वो उसको फुल्ली इग्नोर करता है और फिर ना जिमिन को कहता है ब्रदर इन लॉ आपको कहाँ लगी है, मैं आपको ना बैंडेज कर ये ऑइंटमेंट लेके आया आपको मेडिसिन लगा देता हूँ। तो फिर जो जिमिन होता है वो कहते हैं कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं मैं खुद कर लूँगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो फिर ना वो इस तरह बोलते हैं, तो फिर ना ह्यूंगी कहते हैं ये मैं आपके कर देता हूँ आपको पेन हो रहा होगा, तो इस तरह बोलते हैं। और फिर ना उसके हाथ पे देखते हैं वहाँ भी एक ना बहुत बड़ा ऐसे कट सा लगा हुआ था, तो नीच जो बेल्ट से उसको लग गए थे, तो ना वहाँ पे ना वॉल्ट में लगाते तो ना जो जिमिन की ना हल्की सी निकल जाती है, मीन्स उसको दर्द जो होता है तो वो ना पेन में करता है, तो ना थोड़ा दोनों का ना ये देखे बुरा लगता है। और ना यूंग सोच रहे थे कि उसका ब्रदर जो इतना ज़्यादा काम और कूल माइंडेड रहता है तो वो जब ऐसे कैसे अग्रेसिव हो सकता है, तो उसको ना वो अपने भाई के बारे में सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। और इधर जो हम देखते हैं कि ना ह्यूंगी का वो फिर ना जिमिन के ना बैक की तरफ देखते हैं, तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी शर्ट फटी हुई थी और वहाँ से ना नज़र आ रहा फटी हुई थी और वहाँ से ना नज़र आ रहा था थोड़ा थोड़ा। तो फिर वो कहते हैं कि ना पादल लो मैं आपके पीछे से ना बैक पे लगा देता हूँ, तो ये बोल के ना वो शर्ट थोड़ी सी ऊपर करता और वहाँ पर ना कट्स थे पड़े, तो फिर ना उसको देख के ना थोड़ा बुरा लगता है और फिर वो लगाता है। तो फिर जो जिमिन तो वो बस चुप करके बैठा हुआ था और ना उसकी आईज में ना ऐसे उसने टाइट क्लोज की थी बिकॉज उसको काफ़ी ज़्यादा ना वो ऑइंटमेंट से पेन हो रहा था। तो जो यूंगी होते वो जब ऑइंटमेंट लगा लेते तो शर्ट ना आराम से उसके नीचे कर देते और फिर कहते कि ना अब आप रेस्ट कराओ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से ना चले जाते हैं।
और फिर ना यहाँ अब हम देखते पूरा दिन नामचून जो होता है वो घर आता ही नहीं है, वो ना जिन के घर के बाहर खड़ा होता है और ना जिनको ना बुलाने की कोशिश कर रहा था, बट जिनो तो उसके पास बात ही नहीं सुन रहा था, उसके पास आ ही नहीं रहा होता। और जो नामचून रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है, फुल डे वहाँ वेट करता है, बट जो जिनो तो वो उसको फुल इग्नोर करता है। और नाइट के टाइम जब काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर वो उठते हैं और फिर ना वहाँ से ना बाहर में चले जाते और काफ़ी देर तक ड्रिंक करता है, और काफ़ी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो वहीं पे ना अनकॉन्शियस हो जाता है। और वहाँ का वो ना खुद का जो जिस बाहर में वो आया था वो नामचून का खुद का बाहर था, तो बाहर मैनेजर साहब उसको जानते थे तो मीन्स उसी का था, तो था तो बॉस थे वो, तो ना वो सोचते कि ना इनका क्या कर रहे, तो फिर ना वो तेंग को कॉल करके ना बता देते नामचून का। तो फिर जो तेंग होता है वो भी ना गहरी सांस लेते और वो सोचते कि ना मेरे भाई को क्या हो गया, फिर चलो सोचते और फिर ना जाता है और फिर ना नामचून के पास जाता है। और जो नामचून था वो बिल्कुल ना अनकॉन्शियस हो रहा था, तो वो ना बस अपनी आईज को टाइटली क्लोज करता है और फिर ना ऐसे गहरी सांस लेता है और फिर ना नामचून को लेके आता है अपनी कार में बैठाता है और उसको ना घर ले आता है। और जब घर लेके आता है तो फिर ना उसको ना उठाया हुआ था मीन्स ऐसे कंधे पर डाला हुआ था और फिर जिमिन के रूम तक जाता है और फिर ना जिमिन के रूम पर ना नॉक करने लगता है। तो फिर जो जिमिन होता है वो फ़ौरन ना डोर ओपन कर देता है और कहता है क्या वो इतना बोल पाता है कि ना वो नामचून को देखता है, तो फिर नामचून को देख के थोड़ा घबराता है, बट वो देखते है कि ना वो तो फिर वो थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है और जिन और तेंग को ना अंदर आने देते हैं। तो तेंग ना नामचून को ना बेड पे लेटा देते हैं और जो जिमिन होता है वो फौरन ना नामचून के शूज़ भी उतार देता है, बस है ना उसकी जो टाई होते हैं वो ना जो उसने पहन रखी थी मीन्स वो फर्स्ट तो निकला ऑफिस के लिए था बट फिर ना वो वहाँ से चला गया था। तो ऐसा करके ना उसने उसके क्लोज को ना जो ऊपर के थे मीन्स लूज किए ताकि वो कंफर्टेबल होकर ना वहाँ लेट जाए। तो फिर ना जो नामचून होता वो फिर सो जाता वहीं पे और फिर ना जो तेंग होता वो कहते कि ना यूँ बहुत ज़्यादा ड्रंक है तो हो सकता है सुबह इनके हेड में पेन हो, तो आप प्लीज़ तेंग को ना हैंग ओवर मेडिसिन दे देना। तो ना तेंग कहता है ओके और जिमिन बोलता है ओके और ये बोल के ना फिर जो ना तेंग होता वो वहाँ से चला जाता और जो जिमिन होता वो ना नामचून की तरफ देखने लगता है और कुछ ही देर तक देखते हैं और उसके बाद फिर ना उठता है ना शॉवर लेता है और अपने नाइट सूट पहन के ना आ जाता है और फिर ना बेड पे लेट जाता है और आईज क्लोज कर लेता है और सो जाता है। और अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन जहाँ पे जो नामचून की जब आईज ओपन होती है तो वहाँ पर हम कोई भी नहीं था मीन्स वहाँ ना जिमिन नहीं था उसके रूप में, तो वो बस इग्नोर करता है इस चीज़ को और वह जाने लगता है वॉशरूम में जाने लगता है। और फिर ना जब शेवर लेके वापस आता तो देखता है कि ना जो जिमिन है वो रूम में है पर उसके हाथ में ना मेडिसिन वगैरह। तो फिर ना जो नामचून होता है उसको घूर के देखते हैं और कहते हैं कि ये क्या लेके आए हो, तो फिर ना वो कहते हैं कि ना ये आपके हैंग ओवर मेडिसिन है आपने रात को ड्रिंक की थी। तो फिर ना जो नामचून कहते हैं ओ अच्छा तो अब तुम्हें इतना उससे वो है प्रॉब्लम भी हो रहा है मेरे से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें इसमें मसला क्या है, हाँ मेरी चीज़ों से ना दूर हो, मेरी चीज़ें मेरी काम मेरी लाइफ है इसमें अपने दखल ना दो समझे। ये बोलते हुए ना उसने ना काफ़ी ज़्यादा हार्शली ना उसकी चिन पकड़ी हुई थी जिसने जिमिन को पहना हुआ था, वो कहते हैं हर्ट हो रहा है हस्बैंड, ये हस्बैंड बोलने की देर थी। तो फिर जो नामचून का पार फिर से हाई हो जाता है और वो ना जोर से ना जिमिन को स्लैप कर देता है और जो जिमिन होता है वो बस सर झुका के ना चुप करके खड़ा होता है। नामचून वहाँ से ना गुस्से से ना बाहर आ जाता है, जब बाहर आता है डाइनिंग टेबल वहाँ ना जाने ही लगता है। तो फिर ना जो तेंग होता है उसको आवाज देता है तो कहते हैं कि ना यूँ आ जाओ ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट किए बगैर ना जाना। तो फिर ना जो नामचून रहा था वह गहरी सांस लेते बिकॉज उसको पता था अगर वो नहीं करेगा तो जो तेंग है वो शिकायत लगा देगा उसको
ना मदर फादर का शिकार लगा देगा और काफी ज्यादा ना फिर बखेरा खड़ा हो जाएगा, इस वजह से ना वो चुप करके आ जाता है और ना वो करने लगता। तो ना तेंग और ना योंगी अचानक से बोल पड़ते कि ना ब्रदर इन लॉ का है, तो फिर जो नामचुन होता है वो खड़ा खड़ा होता है और फिर कहते मुझे नहीं पता, ये बोल के ना दोबारा खाना स्टार्ट कर देते। तो फिर जो तेंग होता है वो ना साइलेंट हो जाता है, बट जो योंगी तो वो उठता है और फिर कहते हैं कि ना मैं उनको लेके आता हूँ, ये बोलता है। और फिर ना नामचुन को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर ना वो वहाँ से ना अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके चला जाता। और जो 5 मिनट्स बाद जो योंगी और ना जिमिन होते वो दोनों आते, बिकॉज जो जिमिन था वो वॉशरूम गया था फ्रेश अप होने के लिए, वो नामजूट के लिए ना मेडिसिन लेने गया था, तो वो फ्रेश अप नहीं हुआ था और ना ब्रेकफास्ट बनाने लगा था, तो वो फ्रेश अप हो गया था इसलिए ना दोनों को टाइम लगा था। और वो नीचे आता है, फिर ना जो टेंग होता है वो कहते कि ना ब्रदर इन लॉ गुड मॉर्निंग, फिर इतना बोलते हैं और स्माइल करते हैं। तो फिर ना जो जीवन होता है वो भी हल्की स्माइल करता है और फिर ना बैठ जाते हैं चेयर पे और फिर ना खाना कुछ स्टार्ट कर देता है। और जो योगी होता है वो ना कुछ देर तक ना जमीन को देखता है और उसके बाद फिर ना वो भी कुछ नहीं बोलता और फिर ना वो भी खाना स्टार्ट कर देता है। तो वो खाना इसी तरह कुछ देर तीनों खाते हैं और फिर उसके बाद जो तेंग जो इनकी होता है उसको कॉल आ दी और कहते हैं कि ना हाँ मैं आ रहा हूँ और चीज़ रेडी रखो, ये बोलते हैं और वहाँ से जाने लगे। तो फिर ना जो तेंग होता है वो कहते हैं कि ना कहाँ जा रहे हो, वो अचानक से ऐसे बोलते हैं। तो फिर ना जो योगी होता है वो ना अपनी जगह पे पॉज होता है और फिर ना पीछे मुड़ के देखते हैं और फिर कहते हैं कि ना माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे काम में दखल ना दो, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से जाने लगे तो फिर ना जो तेंग होता है वो बनाता है और फिर कहते हैं कि ना तुम्हारे काम में किसको वो है, ये बोलते हैं। और फिर ना मुंह बनाते हुए ना वहाँ से जाने लगते। तो फिर ना जो जिमिन होते वो कहते कि ना आप दोनों ऐसे बात क्यों नहीं करते। तो फिर ना कहते कि ना वेल ब्रदर इन लॉ हम दोनों ये मैरिज नहीं करना चाहते तो हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, तो शायद इस वजह से। तो फिर ना जो जिमिन होता है ये बात सुनता है और फिर ना चुप हो जाता है। और फिर ना जो आते हैं तो स्माइल करते हुए कहते कि ना अपना ख्याल रखना अपना ख्याल रखना ब्रदर इन लॉ बाय बाय, उस तरह बोलते हैं। स्माइल करते हैं वहाँ से ना चला जाता है। इस तरह ना मीन्स फुल 1 वीक गुजर गया था। जो योंगी था ना उसका थोड़ा देखने का अंदाज सा जिमिन को लेके ना बदल गया था, और जिमिन अभी इस चीज़ पे उसने बिल्कुल भी ना मीन्स नोटिस नहीं की थी उसने ये ना योंगी का, बिकॉज योंगी ना मोस्टली जिमिन जिमिन करते रहते थे और तेंग ने ये चीज़ फील हो रही थी। बट वो उसने पहले ही कह रखा था कि हम दोनों की लाइफ से हम एक दूसरे को कोई मतलब नहीं होगा, तो उसको भी इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं, ना कि ऐसा था कि ना वो ना योंगी को अपनी लाइफ में चाहता था तो उसको पेन होगा इस तरह योंगी को देखे, बट ऐसा कुछ कोई नहीं था। और जो नामचुन होता है दूसरी साइड पर वो ना जिमिन को ना बात बात पर काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, उसको ना काफ़ी बातें सुनाता, काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करता, ह्यूमिलेट करता रहता। और जो योंगी होता वो हर टाइम जिमिन के पास होता, मीन्स जब भी ना नामचुन उसको बीट करके जाता है तो मेडिसिन के लिए होता है, जब भी योंगी योंगी के सामने नामचुन का वो करता इंसल्ट करता जिमिन की या फिर उसके बैक के पीछे करता, तो हमेशा ना जो जिमिन था वो रोना स्टार्ट हो जाता था। बाद में जब नामचुन वहाँ से चला जाता तो जिमिन योंगी आ जाता था हर दफ़ा जिमिन के पास उसको ना कंसोल करने के लिए। तो ना जो जिमिन होता है उसको ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता होता है जिमिन को ना योंगी का साथ अपने साथ अच्छा लगने लगता है। और इसी तरह ना 1 वीक से फुल 1 मंथ गुजर जाता है। और जो तेंग था ना तेंग और ना जो जिमिन की ना काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी, मीन्स काफ़ी ज़्यादा हम और ना चीज़ों में सिमिलर थे तो काफ़ी ज़्यादा उनकी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। बट जो नामचुन का बिहेवियर था वो बिल्कुल भी नहीं बदला था, और जिसे ना जो योंगी और तेंग दोनों ही ना थोड़े अपसेट से थे, बट अब जो योंगी था ना वो टोटली चेंज हो चुका था जिमिन के लिए, उसको ना वो फुली अलग अंदाज से देखता था।
वो उसने ना उसको ब्रदर इन लॉ अचानक से खुद से ही कहना ना छोड़ दिया था, बिल्कुल उसको ब्रदर इन लॉ बुलाता ही नहीं था, वो ना उसको जिमिन जिमिन कह के बुलाता था, और जिमिन को भी इस चीज़ का कोई मसला नहीं था। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ ने देख ने नोटिस की थी, बिकॉज वो स्टार्टिंग से ही ना यूंगी पर को ना नोटिस किया करता था, तो उसने नोटिस किया और फिर ना वो मुंह बनाता, बिकॉज उसको ना आइडिया हो रहा था कि ना जो यूंगी है वो क्या कर के ना करना चाह रहा है या फिर कुछ इस तरह करके, तो उसको था कि ना ये क्या सोच रहा है, तो फिर ना वो बस मुंह बनाता है ये सोच के, ये सारी बातें सोच के कि ना एक्चुअल में जूंगी क्या करना चाह रहा है। बट यहाँ जो जूंगी है वो बस उसको ना ब्रदर इन लॉ कहने का दिल नहीं करा होता, इसलिए उसको नहीं कहता। अभी वो खुद भी अपनी ना फीलिंग से अनजान है। ठीक है गाइस, आगे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है।